शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। में आप सबका स्वागत है और हमारे सामने शाना खिलाड़ी राहुल गोड़वाले बैठेला है जो अभी तक 100 पेटी जीतेला है और हम ये चाहते हैं कि राहुल हमारे साथ 5 खोखों के लिए और खेले। उंगली करने का मतलब क्या होता है? उंगली ऑप्शन है ए किसी गलत नेता को वोट देना, बी बिके हुए क्रिकेटर को अंपायर का आउट देना, सी उंगली में एंगेजमेंट की रिंग पहनकर जिंदगी को भंवर में डालना और डी एनकाउंटर के टाइम पुलिस को अंगूठा दिखाना। उंगली मत कर भिड़ो, अरे तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफलाइन बचेला है, फोन ऑफ फैन। अब उनकी जो आई है ना, अच्छा वो उंगली करने में एक्सपर्ट है, उसको फोन लगाओ। तो कंप्यूटर भिड़ो। हाँ पाए लागू आए अपन अंडरवर्ल्ड प्रस्तुत कौन बनेगा खोखा पति से बोल बच्चन बोल रहा है। हाय मेरे को बोल बच्चन देता है, आवाज से तो तू रद्दी बेचने वाला लगता है। भाई सॉरी सॉरी, ये बोल बच्चन नहीं है, असली वाला। तेरे से बड़ा है वो, तू बोलता है तो मान लेती हूँ। वो कोई बात नहीं है, आई तुम्हारा बेटा राहुल इधर हॉट सीट पर बैठे लाए। मेरे राहुल को गरम कुर्सी में बिठा दिया, अच्छा किया। इधर माहौल बहुत गरम चल रहा है और तुम्हारा बेटा राहुल एक सवाल पर अटकेला है, अगर तुम इसका मदद करेगा तो। अरे मुझे मालूम है, तेरा एक सवाल होगा उसके 4 जवाब होंगे, उसके 10 सेकंड होंगे, लेकिन मैं 1 सेकंड में देती हूँ उत्तर। तो अगली आवाज होगी राहुल की। थैंक यू। अब आई ये उंगली करने का मतलब क्या होता? भाई खोखे जीत गए ना, चल वहाँ से पतली गली से निकल। नहीं चाहिए फोन रख। 5 खोखे का सवाल। ले ले निकम्मे बाप की निठल्ली औलाद, कब तक माँ के बचा हुए पैसे भेजेगा तू? शेख चिल्ली कान में तू रुई डालता है, जल्दी से नहा ले, तैयार हो जा। नहला तो तूने दिया ना आई, ये क्या ये? हाँ मैंने नहला दिया, लेकिन धोएगा कौन तेरा बाप? चल जा, जा तैयार हो, काम ढूंढना निकल, चल। Yeah.
आ गया मेरा बेटा। नाश्ता करेगा राजा? हो आई। क्या खाएगा बोल? उपमा, इडली, क्या खाएगा? कुछ भी चलेगा, कुछ भी। कुछ भी? हाँ। तो ले ये ठुस ले। ये वहाँ क्या कर रहा था तू? खिड़की मैली हो गई थी तो मैंने सोचा मैं साफ कर देता हूँ। शीशा साफ कर रहा था। अपना शीशा साफ कर रहा था या सामने वाले जोशी की खिड़की का शीशा साफ कर रहा था? तेरे बाप ने भी बहुत खिड़की के शीशे साफ किए, उसमें से मेरे घर का एक था। पूरे बाप के नक्शे कदम पे चल रहे रे तू। चल सर नीचे पैर ऊपर कर। क्यों? एक बार बोल दिया ना, कान खोल के सुन। ये जो गेहूं चावल तू खाता है ना, वो तेरे दादाजी के खेत से नहीं आते। कल से अगर तू पैसे कमा कर नहीं लाएगा ना, तो ये एक बिस्किट और छोटी सी प्याली चाय, वो भी बंद। क्या आए? ये बात तो तू सीधे भी बोल सकती थी ना। अरे तेरे सीधे दिमाग में कुछ घुसता नहीं ना। तेरी फाइल ये ले और नौकरी ढूंढने निकल। राहुल गोड बोले जी। अकाउंट्स ग्रेजुएट जी। मार्क्स 38.8%। वो सर एग्जाम से एक रात पहले लाइट चली गई थी, नहीं तो 40 तक क्रॉस था। हाउ इंप्रेसिव। गुड मॉर्निंग मैडम, ये है जवानी हेयर डाई। गारंटी है कि 3 महीने तक आपके खूबसूरत काले बालों का रंग कहीं नहीं जाएगा और कीमत सिर्फ 300 रुपए। एक मिनट। yes! Yes! ये देखो एक साल तक हेयर डाई का कलर नहीं जाएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या? हेलो स्वीट हार्ट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बैठो ना प्लीज। वैसे ये क्या है? ये डिवोर्स पेपर्स हैं। शादी से पहले डिवोर्स? क्यों, लव में डिवोर्स नहीं हो सकता? हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। डिवोर्स तो बात-बात पे हो सकता है, लेकिन क्या मैं इतना सा जान सकता हूँ कि क्यों? तुम यंग हो इसलिए डिवोर्स। तुम हैंडसम भी हो इसलिए डिवोर्स। लेकिन तुम एक नंबर के निकम्मे, नाकारा और बेकार हो। जाने मन, प्यार में ना बड़े बड़े बादशाह और शहंशाह भी बेकार हो गए थे। अच्छा? पर तुम एक बार आवाज तो देके देखो। मैं तुम्हारे लिए कांटों से गुलाब तोड़ता हूँ, वो ऊपर देखो, पेड़ से नारियल भी तोड़ के ला सकता हूँ, और वो एकदम ऊपर देखो, वो जो आसमान में चांद और सितारे हैं ना, वो सब तोड़ के तुम्हारे पास ला सकता हूँ। इन चांद सितारों को मैं अचार डालूंगी? राहुल कुमार कभी छोटी मोटी बात नहीं करता यार, यू नो दैट। तुमने ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। अगर इन 2 दिनों में तुमने कुछ नहीं किया ना, तो नहीं नहीं, समझ गया। मेरी झांसी की रानी, मैं इन 2 दिनों में कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। फाइन डार्लिंग। सुनो ना। क्या है स्वीट हार्ट? तुम कितनी क्यूट हो, जो भी सोचती हो सीधा मुंह पे बोल देती हो। हाँ तो यार ये गुस्सा छोड़ो ना। देखो मेरे पिताजी कहा करते थे कि बॉडी के लिए जो गुस्सा होता है ना, मुझे नहीं सब कुछ नहीं सुना। ओके ओफो, अब क्या है? जानू मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आई नो, मैं नौकरी के लिए दिन रात भाग रहा हूँ। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आगे आगे जी जान लगा दूंगा। और ये स्वीट हार्ट, आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू ना। मी टू। और सर जहां तक मेरा अंदाजा है आपकी एज होगी कुछ 50-55 नॉट आउट। बैठिए, अब सोचिए कि आप रात को गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और अचानक एक ट्रक ने आके आपको ठोक दिया। आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी। आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं
ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, आदमी का क्या भरोसा कब टपक जाए। तू साले इंश्योरेंस का एजेंट है या यमराज का एजेंट है? आज भी कुछ काम बाप नहीं मिला का? मिश्रा जी, मुझे काम मिले या ना मिले, आग की दुकान में इतनी आग क्यों लगी रहती है? आग कहाँ लगी? कहाँ लगी? मेरा मतलब था, जब तक कोई काम धंधा नहीं मिलता है तो कोई छोटा मोटा धंधा ही कर लो। एक आइडिया है दिमाग में मेरे। अच्छा क्या? बताइएगा कि कैसा लगा। क्यों ना मैं आपके बगल में ही एकदम आपके जैसी एक किराने की दुकान खोल दूं? क्या? हाँ। अरे ऐसा मत करना, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अरे बर्बाद हो जाऊंगा मैं, दुकान मत खोलना। अरे बड़ी दूसरी दुकान जमाई है। अरे मिश्रा जी, उठिए उठिए उठिए। क्या है, पाप लगता है यार? अरे भैया धंधा बहुत खराब है, अगर ये धंधा करोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। और ये ब्रेड है ना, ये ब्रेड दो दिन में सूख जाती है और फिर इसे फेंकनी पड़ती है। हाँ केला खाओ ना, केला खाओ। थैंक यू। ये केला ना वो क्या है कि पल पल सड़ जाता है और फिर इसे भिखारियों खिलाना पड़ता है। वैसे भी इस धंधे में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम। हाँ एक बात बताऊं, वो सामने जो बड़ा पाव वाली दुकान है ना, उसने 3 महीने में स्कूटर खरीद लिया। ए, इसके बारे में सोचना मत बेटा, ये धंधा बहुत कॉम्पिटिटिव है। इज्जत सम्मान बेचने के बाद भी मार खानी पड़ती है, गाली खानी पड़ती है। अरे कुत्ते तो ऐसे काटते जैसे उनका फैमिली मेंबर हूँ। और इस लाइन में इन्वेस्ट तगड़ा है बेटा, तगड़ा। 50,000 देने के बाद ये जगह मिली है और सुन, एक स्पॉट खाली है तुम्हारे लिए। तुम कहो तो बात करूं। आज फिर खाली हाथ आ गया ना? गलती तेरी नहीं है, खुद इसी का है ना तुझ में। अरे बुढ़े ने 18 तक खर्च करने नहीं दी, जो बचे थे पैसे वो गलियों की लड़कियों के पीछे भागने में गवा दिए। उसी की मनुष्य नजर लगी है तुझे और इस घर को। देख चेहरे से शैतानी आज भी टपक रही है। अरे आई आई, आराम से आराम से आराम से। पिताजी पिताजी, बाप की आखिरी निशानी। आई आराम से प्लीज। पिताजी जाके शहर से बाहर ऐसी जगह फेंक दे किसी इंसान की नजर न पड़े इस मनुष्य पर। और हाँ, बरामदे में जो खटारा स्कूटर पड़ी है वो जाके बेच दे सलीम की गैरेज में। आई आई, वो पिताजी की आखिरी निशानी है। तू भी तो पिताजी की आखिरी निशानी है। कान खोल के सुन, इन चीजों में से एक भी मेरे घर में नजर आई ना तो तुझे उठा के फेंक दूंगी। ध्यान में रख। रुक जा। क्या ले? आई, आई, क्या है ये सब? रद्दी, तेरे बाप ने जिंदगी में दो ही अच्छे काम किए, एक तो लड़कियों के पीछे घूमना और मनोहर कहानियां लिखना। बेटा मतलब पिताजी लेखक थे? होता है। हेलो। इन कपड़ों में तो तुम एकदम रैप चिक लग रही हो। एक्सक्यूज मी, सॉरी रॉन्ग नंबर। हेलो। हम तुम्हारा तारीफ कर रहे हैं और तुम मेरी भावनाओं पे पानी फेर रही हो। भावनाओं को समझो बेबी।
बेबी ना सब समझती है, जस्ट शट अप एंड कीप द फोन डाउन इडियट। फिर काट दिया। पिताजी की किताब में ये चिट्ठी, मेरे नालायक बेटे, मैं जानता हूं तू भी मेरी तरह बेकार आवारा बनकर सड़कों पर घूम रहा होगा। इनको कैसे पता? आखिर खून तो मेरा ही है ना। करेक्ट। तू किस्मत वाला होगा जो तुझे मेरी ये चिट्ठी मिलेगी। मैं जिंदगी भर लड़कियों को पटाने में रहा और तेरी माँ के हाथों बेलन खाता रहा। मैंने जो लड़कियों को पटाने के तरीके आजमाए वो सब इस किताब में लिख दिए। क्यों? मुझ जैसे मेरे दोस्तों की हालत भी खराब थी। मेरा अनुभव कहता है कि लोगों को आज गाइडेंस की जरूरत है। प्यार के एहसास को समझना जरूरी है। सही तो है, आजकल कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, successinlove.com, matchmaker.com, stopdivorce.com, etc. और ये हर साइट यही तो सिखाती है। यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, पर कैसे? Of course, पिताजी की किताब यूज करके। प्यार में जो लोग असफल हैं, उन्हें सफलता दिला के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके। इट इज जस्ट लाइक ट्रेनिंग, इट्स लव ट्रेनिंग। लेकिन बेचारे क्लासेस खोलेगा तो माल लगेगा ना, वो कहां से लाएगा बे? तुझे 1,00,000 रुपए चाहिए? जी आई। तू बिजनेस करेगा? जी आई। एक काम करेगा बेटा, वहां से चाबी लेके आ। जा 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 जा, जल्दी जा। थैंक यू आई, थैंक यू आई, थैंक यू आई। क्या आई, चोट लगती है यार। मुझे तो ये लात तुझे सबसे पहली मारनी चाहिए थी, बहुत लेट किया मैंने। ठीक है आई, तू चाहती ही नहीं कि तेरा बेटा कुछ करे, कुछ करके दिखाए। इससे तुझे और मुझे दोनों को छुटकारा मिल जाएगा। मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से और तुझे, तुझे मुझसे। क्या है ये? इट इज पॉइजन। ये तो डैडी के फॉर्मूले से भी अच्छा चला। अरे वाह बेटा। जी आई, बोलिए। मेरे बच्चे, ये ले, ये पकड़। ये बाहर जाके अच्छी सी जगह ढूंढ लेना, उसमें से थोड़ा पी लेना, बचे हुए से बेटा नहा लेना, बाद में माचिस मार लेना, तो दाह संस्कार का झंझट भी नहीं रहेगा। सोनू, ये नौटंकी तूने कहाँ से सीखी बेटा? तेरे आराम कर बाप से ना, उसी का साया है तुझ पर। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और सुन, अगर सचमुच मरने का ख्याल आया तो वो मेरा आशीर्वाद समझ के पी लेना। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है सदा के लिए। जा जा बेटा। थैंक यू। हाँ राहुल जी, आप अपने नकली गहने तो भूल ही गए जो आपने अपनी माँ शादी। निकल साले, मेरी ही दुकान में काम करता है और मेरी ही बेटी को छेड़ता है। ये अंकल रुक, सेठ फूटिए। मेरी ही लड़की को छेड़ता है हाँ, और बदनाम भी कर रहा है। क्या रे, मेरे को पूरा दुनिया में तो तेरे दुकान मिला है लड़की छेड़ने को। कौन सा 150 लड़की है, दो ही तो ऑप्शन है तेरे दुकान में।
और क्या, ये तेरी खूबसूरत बेटी और आगे। प्रणाम माता जी, वेलकम। क्यों मुंह लगते हैं आप ऐसे नीच लोगों को? आज मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा साले की। देखो जबान संभाल के बात करने का। रामखोर, मेरा ही चप्पल है। साले निकल यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ तो गुस्सा क्यों करता है, जाता ना। जानू वैसे तुम्हारा हाँ समझी है ना, तू ऐसे ही मारेगा। फिर से पड़ी, ये भी मेरा ही है। ठीक है, बहुत गुस्सा वाला फैमिली लगता है। वैसे आंटी जी, आपका भी ना ही समझू ना? नहीं 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 समझा। कितनी लड़के मेरे पे मरती है, कौन सा बड़ा, चल आया बड़ा। चल एक मिनट, क्या हो रही है? अरे कुछ नहीं रे, ये जो दुकान वाला ना, इसका बीवी और इसका बेटी दोनों को मेरे से लव है। गलती उनकी नहीं है, मेरा पर्सनैलिटी, मैं इतना ब्यूटीफुल, वो क्या करेगी। वो बात ऐसे है ना, मैं थोड़ा प्रोफेशनल, मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई, मेरा हाइट थोड़ा लो। वो क्या है ना, इसका बीवी है ना, दिन में मेरे पास आके बोलते मेरे से शादी करो ना, इसका बेटी रात में आके बोलती मेरे से प्यार करो ना, मैं बोला चल रिजेक्ट कर दिया। इसलिए उल्टा चोर कोटवाल को डांटता और मेरे को बोलता कि मैंने चेड़ा। चल रे आया बड़ा चेड़ा, बहुत देखे ऐसे लड़की तो पागल होती है। कोई बात नहीं, नया नौकरी ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेगा। अरे सुन 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 सुन, एक बात बता, तुझे लव के बारे में कुछ आता है? मतलब ओह माय गॉड, लव लव इज एवरीथिंग बट नेचुरल। देखो जब मैं गांव में था, 20 लड़कियां नदी में कूद के मर गई, मालूम क्यों? क्योंकि मैंने उनका लव लेटर का जवाब नहीं दिया। जब मैं शहर आ रहा था ट्रेन में, 40 लड़कियां ट्रेन से कूद गई, मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ये तो कुछ नहीं, आई चश्मा गया। आगरा का पागल खाने से मेरे को फोन आया कि 100 लड़कियां पागल हो गई मेरे प्यार में। अब फेंकना बंद कर और ये बता कि तुझे सच में कुछ आता है कि नहीं। लव, आई नो एवरीथिंग अबाउट लव। यो Back to action. Yeah, yeah. Let the groove stay. One more time. Yo. All together for the love mix. Hit it. Anna love ho, akka love ho, bhaiya love ho, dada love ho. Anna love ho, akka love ho, bhaiya love ho, dada love ho. Parking lot में shaking camera, cinema के call की पे roadside के bike stand में हर morning back road पे pump के dance floor में feel love love love. Everything is fair in love and war. Now about love failure. You mean a tragedy? Hamara full of drama. Ek love failure aadmi ko beer bar ka rasta dikhlata hai. Ek love failure exam mein anna dilata hai. Aadmi ka khoon bahata hai. Race course mein jua khilwata hai. Bank balance nil karwata hai.
क्या करूँ साहब? अरे क्या करूँ क्या करूँ, क्या करेगा, मेरे घर पे मेरा बीवी, उसको लेके जा अपने घर पे। अरे काम कर, मेरा असिस्टेंट आने वाला, क्या करूँ, बोर्ड लगा और क्या करेगा तू, जब देखो क्या करो क्या करो। हेलो मैडम, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? 100 100 बराबर हुआ साहब। ये ले, ये चश्मा लगा, अभी देख 3D है, बराबर हुआ, ये भी मैं ही बताओ। अरे जल्दी करना, मेरे असिस्टेंट आने वाले, जल्दी कर। लड़की लड़की, अरे बस आ गए, तारे पटर काम कर। ये बोर्ड शुभ मुहूर्त के बाद तैयार होगा या उसके पहले? नहीं नहीं रेडी है बस, ऑलरेडी। आपका ये असिस्टेंट है साहब? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या बोला? नहीं नहीं, वो ऐसी, वो बहुत मेहनती है। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना प्लीज, और ये थोड़ा नारियल और फूल बनने के बाद चढ़ा देना। जी जल्दी करना, जल्दी फटाफट। यो यो यो, बैक बैक शॉट। धंधा शुरू नहीं है, आगे भीख मांगने चल। ए, निकल, भीख मांगा होगा तेरा बाप। ओबे, ऐसा किसने मांगा? मैंने मांगा क्या? हेलो, रुक रुक रुक। अन्ना लवो, अक्का लवो, भैया लवो, दादा लवो। स्वामी जी, वो हमें अपने इंस्टीट्यूट का हवन वगैरह नहीं करवाना? कोई बात नहीं, हमारे पास वो चंदा देने के लिए पैसे वगैरह भी नहीं है। सही, हम चाहते भी नहीं। क्या चाहते तो क्या चाहते भाई? स्वामी जी, ये जी बनवारी लाल मिश्रा ऑर्थो क्लिनिक के पास वाला प्रेम प्रशिक्षण केंद्र यही है क्या? यही है। जी यही है, बोले उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। अरे स्वामी जी, हमको एक बात पूछना है। तो पूछना अंकल, इतना फुटेज काय को कह रहे, जल्दी पूछ। अंकल बोला हमको नहीं पूछना, नहीं पूछना। यार हो क्या ना यार, सुबह से टाइम कह रहा भी कर। एक इंस्टीट्यूट ही तो खोला है मैंने, उसमें भी Can we help you, sir? आप लोग इसमें क्या करता है? वो क्या, हम लोग लोग हैं ना, आपस में ऐसे सेटिंग लगाते, वो लड़का लड़की। देखिए, हम यहाँ दो प्यार करने वालों को आपस में मिलवाते हैं। Mind blowing! दो प्यार करने वालों को आप लोग मिलवाता है? जी जी जी। But what is the guarantee? इसका गारंटी क्या है? ओ अंकल, तेरे लाइफ का कौन सा गारंटी है? फिर हमको अंकल बोला, My God! जाता है। पागल वागल है क्या? इरिटेटिंग यार, बंद कर यार, तू बंद कर यार। सुबह से देखो तो नमूनों पे नमूने भरे पड़े हुए हैं, पहले भिखारी फिर स्वामी, आपके भुट्टा। करे तो क्या करे यार, पूरा जिंदगी ऐसे ही निकले। एक सेकंड। यहाँ क्या करने आए हो? हम कुछ करने नहीं आया, हम तो रास्ता भटक गया था। इस उम्र में रास्ता भटकना अच्छी बात नहीं मालूम। I know. नाम क्या है तुम्हारा? Myself is the Michael Jackson. Michael Jackson? No Michael Jackson. The Michael Jackson. Yes. ये जासूसी क्यों कर रहे थे Michael Jackson? इनकम टैक्स वाले हो क्या? ह्यूमन राइट्स वाले तो नहीं? विष्णु दल, हनुमान सेना पार्टी? देखो बॉस, तुम्हें ये यूनियन बाजी में नहीं पड़ना, हमने दुकान आज ही खोली है। You people misunderstood me. I am what? I am in love. क्या? I am the lover. हमको प्यार हो गया है. Yes. Om Jai Jagadish Hare. Om Jai Jagadish Hare. ये बात तो तुम हमें सीधा भी बोल सकते थे ना माइकल? सीधा सीधा बोलना इतना आसान नहीं है। क्यों? सोसाइटी का डर लगता है। ओ। समाज में लोग क्या बोलेगा? समाज? इन उम्र में द माइकल जय किशन लव का चक्कर में पड़ गया। बट दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। एक बात बताओ जी, क्या उम्र के साथ
दिल भी एक्सपायर होता है। बताओ बताओ क्या बात कर रहे हैं अंकल। माइकल देखो, ये बाकी बॉडी पार्ट्स को कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये जो दिल है ये कभी एक्सपायर नहीं होता। ये सही बोला, ये सही बोला। देखिए आप घबराइए मत, हम है ना, और प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। प्यार तो दो आत्माओं का मिलन है और आत्मा अमर है। My God, what a spiritual thought! Love is eternal. Yes. Soul is eternal. Yeah. The two souls are meeting in love. Excuse us, Michael. Yes. We'll be right back. Huh? Yes. चल, आजा। Tell me. भाई बहुत लफड़ा लग रहा है बुड्ढे का, करेंगे? Yes, shut up. पहला client है। किसी बुड्ढी के प्यार में पड़ गया होगा। प्यार से पटाके दे देंगे उसको। Sir. पहले भीख मांगने चल। तमीज से बात करने का, हाथ नहीं लगाने का क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, प्लीज गुस्सा मत होइए, ये जो भी है आप ले लीजिए और जाइए यहाँ से। प्लीज क्या करूँ यार। हेलो हेलो अब्दुल्ला भाई। हाँ अब्दुल्ला स्पीकिंग। क्या लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आने से ताजमहल का कलेक्शन गिर गया? यस बॉस। कोई बात नहीं, उस एरिया के सारे भिखारियों को कार्ड स्वीप मशीन दे दो। लेकिन बॉस कहेंगे क्या? कहेंगे क्या है? भगवान के नाम पे कार्ड स्वीप कर दे रे बाबा, ऊपर वाला तेरा क्रेडिट डबल कर देगा। अच्छा सुनो, बाकी 12 ब्रांचों को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ और सुनो, यस, सारे भिखारियों को फटे चिथड़े कपड़ों में ही भेजना। मुझसे सीखो हुनर, मुझसे सीखो, लोगों की जेब से ऐसे नहीं पैसे निकलते हैं। हाँ ओके ओके, डोंट फोन मी, आई एम बिजी। एक बात बताओ, यहाँ का टीचर कौन है? जी तू है अंकल। तुमको क्या लेना देना है, तुम अपना ये लो और चलो। ओल्ड फैशन, तेरे थोपड़े से तो देख के लगता है कि मुंह पे कब्जियत है। 1970 के कैलेंडर 2015 में सड़कों पे जाके साढ़े का तेल बेच, दो पैसे ज्यादा पैदा होंगे, 25% मेरा कमीशन बढ़ेगा, चले फुल टाइम। क्या बोलता है ये? भाई साहब बोल हीरो। एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पर टीचर नहीं स्टूडेंट है यार। तभी तो मैं कहूँ इसकी एक टांग कबर में, दूसरी केले के छिलके पे ये लड़की का पटा के देगा। ये क्या बोलता है? क्या बोलता है यही तो आप यहाँ के टीचर हैं? जी मैं ही हूँ। दूर से बात कर यार। गुरु आपकी तलाश में था गुरु। अक्खा को छान के आपके पास पहुँचा हूँ, इस चेले को अपनी शरण में ले लो गुरु। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी आज आपकी गोदी में आके गिरेला है। जिंदगी भर मैंने पैसों के लिए खूब भीख मांगी, लेकिन मैं आज आपसे कोई और भीख मांगने आया हूँ। प्यार की भीख। What? भगवान के नाम पे मेरे को मेरी पटाके दे देना बाबा, भगवान तुझे चाचा देगा। My God, he is in love. Yeah, I'm in love. हाँ, अभी आते हैं, एक मिनट। भाई ये पट्टी चढ़ के कैसे सेटिंग करेंगे? अबे किसी भी कारण से प्यार हो गया होगा, चुप कर। ये तो वाकई में भूकंप आया। ओए इधर राहुल कौन हैगा? जी मैं हैगा, अब मेरा मतलब मैं हूँ ना, बोलिए। सच्ची? मैं क्या जी, मैं फूल कुमारी। कौन सा फूल, गेंदे का कि गोभी का? ये तो गोभी का ही है, फूला हुआ है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं फूल कुमारी जी? मैं कैसे कहूँ, मुँह से कह दो ना। मुझे शर्म आती है। अरे बोल दो ना प्लीज। वो ना मुझे ना लव शव हो गया। ओ जी कांग्रेचुलेशन, प्यार हो गया आपको, वेरी गुड वेरी गुड। बट बोलिए अब काय का कांग्रेचुलेशन, मेरा वाला पटाके देना है तुझे मेनू। उसी के लिए तो हम है यहाँ पे, ये दुकान हम, ये इंस्टीट्यूट हमने क्यों खोला है? सोच ले। सोच लिया, बोलिए। जे नहीं पटाके दिया ना, तेरा नाम लिख के मैं सुसाइड कर लेना है। आप टेंशन क्यों लेती हैं? हम दोनों और ये इंस्टीट्यूट है ना आपके लिए। आप आइए बैठिए प्लीज, टेक अ सीट। आप बैठिए। प्रणाम फूल कुमारी। गुड मॉर्निंग। ओए ये लोग कौन है? ये भी आपकी तरह बीमार है। अबे स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। ओ तेरी, सीरियसली ये लोग भी? हाँ भाई क्यों, बड़ी मेहनत है,
बड़ी मेहनत है। मेहनत तो बहुत बड़ी है। आप बैठती क्यों नहीं मैम? प्लीज प्लीज कम, हैव अ सीट, हैव अ सीट, कम कम कम, आप लोग भी बैठिए। इधर चेक करो, पीछे देखो उधर। ओ माय गॉड, ये क्या चेकिंग कर रहे हो यार? अरे हेलो, ये काम करो। अरे हेलो, तो ये सारी टेबल बड़ी मुश्किल से लगा है। ये रे कौन आ रहा है? राजेंद्र, शालेंद्र, आप लोग बाहर प्रस्थान करें। कार्य समाप्त होने के बाद हम स्वयं बाहर आ जाएंगे। जी स्वामी जी। इस प्रेम भरे स्थान का अध्यापक कौन है? आप हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं, वो स्वामी जी, मैं हूँ। मुझे मुक्ति दो। हमारी कही हुई दो चार चीजें सत्य हो गई, सच्ची हो गई, तो डॉन ने हमको स्वामी जी बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में ऐलान कर दिया कि हम एक चमत्कारी स्वामी हैं। दिन में 450 रुपया देते हैं हमारी पगार। लानत है हमारी जिंदगी पे। जो इंसान सारी जिंदगी मांसाहारी गोश्त खाता था, उसे शुद्ध शाकाहारी बना दिया। हमारे चिकने से चेहरे पे पाप के बीज बोके ये भयंकर दाढ़ी हमको दे दी। राम युग में दूध मिला, किशन युग में घी, अपने युग में मदिरा मिली तो खूब दबा के पी। लेकिन कहाँ, आज हम मदिरा भी पीते हैं तो संडास घर में छुपके पीते हैं, संडास घर में लेकिन नहीं, आज हमें प्रेम हो गया है एक स्त्री के साथ। हम सबको त्याग कर सकते हैं लेकिन और अपने प्रेम का बलिदान नहीं कर सकते। हम अपने प्रेम का बलिदान नहीं कर सकते क्योंकि आंख खोलूं तो सामने वो हो, आंख बंद करूं तो सपना उसका हो, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, अगर कफन ना मिले तो आंचल उसका हो। रोइए मत, मैं हूं ना। मुझे गुरुजी अपने शरण में ले लो, मुझे उस स्त्री से प्रेम है, उससे हमारा मधुर मिलन करा दो। जरूर मिल जाएगी। वेलकम आप सबका हमारे इस लव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पहले दिन पे। हमारे एक और स्टूडेंट ने हमको ज्वाइन कर लिया है, वो है मिस्टर स्वामी। स्वामी, स्वामी मुक्ति आनंद। वेलकम स्वामी जी। सही गुरु, आनंद के साथ मुक्ति ही मुक्ति। आनंद इज द रियल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। चुप मोटी, श्राप दे दूंगा। hey, साइलेंस एवरीबॉडी। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हमारा ये कोर्स 3 महीने तक चलेगा जी, और आप सबकी सहूलियत के लिए इस कोर्स की फीस आप हमें इंस्टॉलमेंट में ही पे करेंगे, और आप सबकी इंस्टॉलमेंट होगी बस 1 लाख रुपए। हायर अब्बा, 1 लाख? Hey, it is too expensive. नहीं नहीं नहीं, हम जाते हैं। Only 1 lakh. Hey assistant, गिन कम नहीं होंगे, गिन। ज्यादा हुआ तो? Tips. देखो सीखो को सीखो, ये देखो। लेकिन इंस्टॉलमेंट में देना है। क्या इंस्टॉलमेंट में देना है? अब्दुल्ला शाहजहां नाम है मेरा। प्यार के लिए ताजमहल नहीं तो क्या पैसों की बरसात कर सकता हूँ, लेकिन साली किस्मत ये है कि इन फकीरों के साथ एडमिशन हो गया। भिखारी के भेष में ड्रग्स का बिजनेस करते हैं आप? आशिक प्यार में पैसे नहीं देखता बे। अब्दुल्ला प्लीज सीट पे आके बैठो यार, प्लीज। ए, इसका आगे पीछे कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, कोई है ही नहीं इसका। हाँ, तुम हो सपना झेलने के लिए, हम हैं ना। माइकल क्वाइट। स्वामी जी आप सब चाहे तो पीडीसी से पेमेंट कर सकते हैं, मैं ले लूंगा। आई मैंने वैजयंती से कहा था, देख वैजयंती मेरा बेटा एक दिन इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा। आज वो दिन आया है। बेटा मैं तेरे लिए हलवा बना के लाती हूँ, तब तक तू यहाँ बैठ। नहीं नहीं नहीं, एक काम कर, तब तक तू शीशा साफ कर, मैं हलवा बना कर लाती हूँ। I feel you, baby.
टेंशन मत लो, वो आती होगी। आती होगी, मैं गोली चला दूंगा तुम्हारे ऊपर। आती होगी बॉस। क्या बॉस? वो आ गई। वो आ गई है? जानू सड़े सवल के आ रहा कहीं तुम्हारा पैर ना फिसल जाए। ये कौन है? भाभी का नौकर होगा बॉस। नौकर हो या कोई भी हो, भाभी का किसी और लड़के के साथ रिलेशन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। गोली चल जाएगी। बॉस रुके, भाभी जी आ रही है। गोली उनको भी लग सकती है। जी नहीं, सली सुपारी की बंदूक से निकली हुई गोली
कभी जाया नहीं होती, हमेशा टारगेट। इश्क़ ऊट पटांग, इश्क़ ऊट पटांग, इश्क़ ऊट पटांगो मेरी जान। हार्ट बीपी शुगर से बड़ा रोग हुआ है, लव शव के चक्कर में डब्बा खोल हुआ है, डब्बा खोल हुआ है, डब्बा खोल हुआ है। ढूंढ रहे हैं ये मुमताज, हाथ में लेके फिरते ताज। Whatever you are, wherever you are, you never know where to put your tongue। इश्क़ ऊट पटांग, इश्क़ ऊट पटांग, इश्क़ ऊट पटांगो मेरी जान। अबे ओ, रैंप वॉक करता बंद करो, पहले बता पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आए? वो तो किसी मंदिर या रेलवे स्टेशन में मिलेगी ना हमको। नहीं 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 गुरु, यही तो देवी का मंदिर है, यही रेलवे स्टेशन, यही प्लेटफॉर्म, सब कुछ यही है। लफड़े वाली है क्या है? हाय हाय अब्दुल्ला जी, क्या चॉइस है तुम्हारी, परफेक्ट। गुरु, बेइज्जती नहीं करने का। क्यों? अब्दुल्ला का भी अपना कुछ स्टैंडर्ड है। नहीं तो फिर मैडम, अब्दुल्ला ने सही कहा था, ये रंगीले बदमाश ये दोनों कॉलेज के पीछे लड़कियों को छेड़ रहे थे। अब मैं तुम दोनों का रंग था। लगन 440 का। अब्दुल्ला, मेरे बच्चे, तेरे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्या बात कर रहे हो गुरु? यार, अब्दुल्ला अपना पहला प्यार भूल सकता है क्या? मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है। अपुन अपनी चार व्हीलर से अपने धंधे पर जा रेला था। वो अपनी चार व्हीलर से अपुन के सामने आके रुकी। उसकी पहली झलक ने मेरे दिल का टुनटुना बजा दिया। उसको एक चोर का खबर चाहिए था। अपुन तुरंत ही उसको इन्फॉर्मेशन दे डाला। उसने अपन को कटोरा अब्दुल्ला से पुलिस इन्फॉर्मर अब्दुल्ला बना दिया। वो जब भी मिलती तो अब्दुल्ला की दुनिया ही बदल जाती। मोहब्बत है, मोहब्बत है। गुरु, गुरु, गुरु। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे कार विच। क्यों? वो ना, मैं अपने प्रीतम नाल मिलान वास्ते ले आई हां। प्रीतम? मिस्टर इंडिया है क्या? दिखता क्यों नहीं है? चल मेरे नाल। ऐ है मेरा प्रीतम। मम्मी? ओए मम्मी ना बोल, ऐ ते मेरे बच्चों दा होन वाला डैडी है। ये है मेरे पति परमेश्वर। ये पति परमेश्वर है कि पट्टी परमेश्वर है? फूल कुमारी, मेरे गेंदे, गेंदे के फूल, ये कौन है और इसे पट्टियों में क्यों बांधा हुआ है? ओए यही तो है साढ़े प्यार दी कहानी। मेरे नाल कोई व्याकरण तैयार नहीं सी। हाय रब्बा, कैसा इंसाफ है ये तेरा। तीन लड़कियां दा फिगर दिता, एक तो दूल्हा दे देंदा। क्या क्या नहीं सुना मैंने, किसी ने मोटी बोला, किसी ने फुटबॉल बोला, यहाँ तक कि फूल कुमारी का गोभी का फूल बना दिया। मैंने सब बर्दाश्त किया, अब और नहीं। मुझे मेरा दूल्हा चाहिए और आज ही चाहिए। तीन तक गिनूंगी, अगर मुझे मेरा दूल्हा नहीं मिला ना, यही से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी और तुझ पे तो कलंक लगा के ही छोड़ूंगी। एक, दो, तीन। ऊपर वाले से ऊपर मांगा, पर उसने नीचे जाके दिया, वो भी पूरा फाड़ के। सीधा अस्पताल पहुंचा देता मेरे रोमियो नू। मेरा दिल उसका चेहरा देखने लिए तड़पता रहा। हायो रब्बा, ऐसे मम्मी निकली, वो भी बड़ी खतरनाक वाली। पर मैं अपने प्रीतम का पिंजरा खुलने का इंतजार करती रही कि कब रब
मेरे तो मेहरबान होकर उसका चेहरा दिखाएंगे। और आखिर वो दिन आ ही गया, मेरे प्रीतम का पिंजरा खुलने वाला था, पर उस जालिम नर्स की वजह से पिंजरा तोड़ के मेरा तोता उड़ंजू हो गया। कलमुई नर्स ने मेरे हीरो को बता दिया था कि एक बहन बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ी है। नमस्ते। नमस्कार। अरे अरे नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो बैठो। इस प्रेम की दौड़ में तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। गुरु जी, हमारी प्रेमिका का कुछ पता चला? स्वामी जी, हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं, पर ये तो बताइए वो लड़की है कौन, टिकटी कैसी है, मतलब कुछ तो बताइए। क्या बताऊं, बिना देखे उसकी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले उसका हाल बता सकता हूँ। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि उसके आंख के आंसू अपनी आंख से गिरा सकता हूँ। उसके होंठ गुलाब की दो पंखड़ियां हैं, उसकी जुल्फ है कि रात के लंबे साए हैं, वो जो सर मंडवा दे तो सवेरा हो जाए। अब रहती कहाँ है? उसको ढूंढते ढूंढते कुत्ते हमारे यार बन गए, वो तो हमें मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। स्वामी जी आपकी ये अप्सरा है कहाँ? वहाँ है, ऊपर रहती है, वो नीचे रहती है, वहाँ है, यही है वो मेरी अप्सरा जो स्वर्ग से उतर कर धरती पे आई है। इसका पता ढूंढो गुरुजी, गुरुजी, यही मेरा नरक है, यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा भविष्य है। माइकल, क्या हुआ? यहाँ क्यों रोक दिया? माइकल, यहाँ क्यों रोका है हमें? मेरे को लगता है कोई बड़ा बम फोड़ने वाला है। वो आने वाली है। आने वाली है? Yes। यहाँ कहाँ आने वाली है? कोई दिख रहा है तेरे को? अभी तक तो कोई आ गई। मैं हूँ आपकी होस्ट यानी दोस्त शीबा, और आप सभी लकी लिसनर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ आपका फेवरेट रेडियो शो। जी हाँ, आप सभी क्या किया? इसको ये रेडियो से प्यार है? नहीं, उसमें अंदर आने वाली लड़की से। अबे बुड्ढे, तेरे को ये लड़की से प्यार है? बुड्ढा बोला? कुछ करना पड़ेगा। Excuse me, yes? शीबा जी कहाँ मिलेंगी? देशीज। यही है वो मेरी अप्सरा। L O V E। इस 3 महीने के कोर्स में आप सबको बस इतना ही सीखना है, L से लेकर E तक। अगर आपने ये सब सीख लिया तो प्यार के किसी भी एग्जाम में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। लास्ट मैन स्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर इस रास्ते पर आगे जाके पूरी दुनिया भी आपका साथ छोड़ दे तो भी ना आप रुकेंगे ना आप मुड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इस प्यार के बैटल ग्राउंड में आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे। गुरु, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, अब्दुल्ला शाहजहां 007 कटोरे की कसम, मैदान नहीं छोड़ेगा। या वेरी गुड अब्दुल्ला, नाउ प्लीज सिट डाउन। आप सबकी इस ट्रेनिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट हु यू आर। आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने जैसे बस एक हैं, अलग हैं, यूनिक हैं, आप सब बेस्ट हैं। इश्क़ है ऊट पटांग, इश्क़ है ऊट पटांगों मेरी जान। इश्क़ है ऊट पटांग साला, प्यार है ऊट पटांग, ये पूरा लव है ऊट पटांगों मेरी जान। खुली हो या हो क्लोज, लव में
तो हर पल हर रोज एक ही चेहरा यू विल सी व्हाटएवर यू आर व्हेयरएवर यू आर यू नेवर नो वेयर टू पुट योर टांग इश्क़ है ऊट पटांग इश्क़ है ऊट पटांग इश्क़ है ऊट पटांगों मेरी जान अब आगे का प्लान क्या है बॉस? सबसे पहले हम सबसे मुश्किल केस के साथ शुरुआत करेंगे। मुश्किल? बॉलीवुड के सबसे चीप और सबसे सिंपल फॉर्मूला को यूज करके। मुश्किल केस सिंपल फॉर्मूला? समझे नहीं। कहीं बेकार में तो चट्टी गीली नहीं करवा रहे ना गुरु? आएगी वो इस मंदिर में रोज आती है। हमें अरेस्ट करेगी। तो मेरे शेर तैयार हो जा, दिखा दे अपना जलवा। लेके चल इसको। मान गए गुरु। चल जाके दुल्हनिया लेके आ जा। एक मिनट, मेरा सेफ्टी कटोरा। दुल्हा, इस लड़की को छोड़ दो तुम लोग, वरना अब्दुल्ला शाहजहां तुम लोगों को यह दुनिया छोड़ने मजबूर कर देगा। हे, मैंने मारा, तुम लोग गिरे क्यों नहीं है? बॉलीवुड की सेटिंग, शरीर का पूरा आइटम हिला डाल रहे। मत तो भला इस कटोरे का, जिसकी वजह से मैं बच गया। नहीं तूने तो परिवार बनने से पहले परिवार नियोजन का आयोजन कर दिया। दुल्ला, सेटिंग अभी भी हो सकती है तेरी, सेटिंग हो सकती है तेरी। तू लेट जा, लेट जा। अरे मैम। दुल्ला। मैडम देखो कितनी चोट लग रही है इसको, बेचारा मरते मरते बचाया आपकी जान बचाने के चक्कर में, हड्डी पसली एक हो गई है इसकी, हालत तो देखो, इसको डॉक्टर की जरूरत है। अरे मैडम आपके पास तो गाड़ी है? अरे गाड़ी है उनके पास जी, आप इनको जरा प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। हाँ, अरे चलो चलो, चल, कुछ नहीं होगा तुझे, डोंट वरी अब्दुल्ला, कुछ नहीं होगा तुझे। अरे अब्दुल्ला गाड़ी में बैठ, बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, लेकर जाइए आप इसको। अरे मगर आपको भी तो चोट लगी है, चलिए ना। आई विल मैनेज, आप इनको प्लीज हॉस्पिटल लेके जाइए। बट यू श्योर यू विल मैनेज? क्या मैनेज 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 के चक्कर में सब डैमेज हो गया। अच्छा ठीक है, ओके बाय। आ जाओ बॉस,
गोवा का चप्पा चप्पा ढूंढ के देखो क्या पहलवान लेके आया मैं। ये देखिए काम तमाम साबुन हमाम। किसको पकड़ के लेकर आए ये? एक मिनट। पहले क्या करते थे? बहुत मान चला कर रहे, हजारों तस्वीरें बना चुके, शेर के कोने कोने में इंक के पर पेंटिंग के नमूने लगे हुए। क्या बात कर रहे है सच्ची? आज भी दवा खाने से लेके बाबा बंगाली चिकित्सालय की जितनी भी पेंटिंग आप रोड के किनारे देखते हैं, योर ट्रूली मास्टर फनकार हुसैन की फनकारी है। हाशमी दवा खाना, बाबा बंगाली, कोई चांस है? कर लेगा ना? मैंने मुश्किल कहा है, नामुमकिन नहीं, हथियार तैयार है। कोई? ये पूरी दुकान? हो गया। दिखा दिखा। इज्जत का सवाल है भाई, कंफर्म बताना। एक काम करो यमदूत, एक हाथ और बचाई से भी ले लो। अब जो भी हो उसे ढूंढना तो पड़ेगा। तू जा। मैं नहीं, मैं ओके। जिसने भी सली सुपारी को देखा, समझो मिट गई उसके जीवन की रेखा। क्या बात? तेरी मौत तुझे बुला रही है। सर मैं कसम से बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ मैच फिक्स करता हूँ सर। कौन सा मैच? क्रिकेट मैच। पैसे लगा, गोली मार दे। अरे नहीं, गोली गोली है, रुके अंदर। वो नहीं सर, वो प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाते ना, वो वाला मैच फिक्सर, वो वाला मैच फिक्सर। प्रेमियों का? सर कार्ड देख लो सर, चाहिए तो कार्ड देख लो सर। सर मोबाइल नंबर भी सर। प्रेमियों का मिलन, जिन्हें ये दुनिया मिलने नहीं देती। हाँ सर, जो मिलने नहीं देती, बिछड़ने नहीं देती, बिछड़ के मिलना, मिलना बिछड़ना, सब सब करते सर, सब करते। जिन्हें इस जालिम दुनिया ने रोक के रखा है। हाँ सर, उसमें तो स्पेशलिटी सर, एकदम क्रैश कोर्स, दो महीने में सेटिंग है। हाँ, उलन सर। हाँ। तो ठीक है, जाओ, हमने तुम्हारा जीवन बख्श दिया। लेकिन बदले में हमें हमारी दुल्हन की फिक्सिंग कराओ। सर कोई बड़ी बात नहीं सर, आंसर हो गया। तो क्या है सर, चल चल चल। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि दुल्हन कौन है। अरे वो तो भूल ही गया, कौन है सर, किधर है? वैसे तो हम अपना दिल चीर के उसकी फोटो तुम्हें दिखा सकता हूँ। वाह 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 वाह। लेकिन फिलहाल तुम इस तस्वीर से ही काम चला लो। ये लो, ठीक से देख।
क्या हुआ? भाभी जी सो ब्यूटीफुल सर। भाभी जी कुछ सीखो इससे। इसको शगुन दो कॉफी। नहीं कॉफी नहीं। His name is coffee. बॉस ये आखिरी है। वैसे मेरी बंदूक में भी गोली आखिरी है। अच्छा अच्छा बॉस चल ले चल निकल। भाभी जी कोई शहर का सबसे बड़ा डॉन है जिसकी तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा और जिसने देखा समझो खत्म हो गई इसके जीवन की रेखा जिसकी जिंदगी में प्यार और इंसानियत नाम की चीज तो है ही नहीं जिसके जिंदगी का एक ही मिशन है देश की तबाही भाई सल्ली सुपारी के सिपाही देखो उसे भूल जाओ प्लीज नहीं नहीं ये नहीं हो सकता इतने सालों की तपस्या के बाद मुझे प्यार भी हुआ था एक ऐसे इंसान के साथ अरे जिसकी जिंदगी में सिर्फ दरिंदगी है और उसके आंखों में दहशत उसे भूल जाओ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज नहीं अगर वो पत्थर है तो मैं पहाड़ बनूंगा अगर वो बम है तो मैं बारूद बनूंगी शिवा आ गई है रेडी अब इसको बुला तो सही हाथ दिखा हाय शिवा बैठने को बोल प्लीज द सीट Now I the seat. Myself is the Michael Jackson. Jackson? No, Jackson. Jack Kishan. Jack Kishan? Yes. Oh, okay. I'm Shiva. Aapka awaz ki tarah aap bhi khoobsurat hai. Abhe interview shuru kar. Dekhne to tayar. To interview shuru kare? Yeah, sure. पहला सवाल पूछ पहला वाला आपके लिए पहले सवाल यू आर द रेडियो जॉकी ये रेडियो जॉकी बनने का इंस्पिरेशन आपको किधर से मिला ओके एक्चुअली मेरे कॉलेज टाइम से ही ना मैं लोगों की लव स्टोरी को सेट करती थी एंड यू नो व्हाट दिल विल जब टूट जाते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता आपका शादी हो गया है जी शादी ये किसने बोला इसको क्या नहीं कोई बॉयफ्रेंड तो होगा हाँ ये पिटेगा आज का था आपने अपना शादी के लिए कोई आइडियल सोचा है ऐसा कोई चॉइस नहीं है यस पर हाँ मैच्योर होना चाहिए यस रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए यस हार्ड वर्किंग होना चाहिए यस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंडसम होना चाहिए ओह माय गॉड स्मार्ट अबे माइकल लाल जय किशन होश में आ साले कोई एज लिमिट भी है व्हाट सेंटी फार्मूला नंबर 34 अभी जा 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 एक कॉफी वॉफी थोड़ा अबे तेरे कॉफी पिलाने लाया हूं मैं जल्दी कर एक्सक्यूज मी सर यस मेरे पास आपका कोई सामान रह गया व्हाट आपकी लुंगी ये लुंगी है दो के छोटा हो गया सर चलता हूं सर माइक टेस्टिंग 1 2 3 वाह तो आप लोगों के टूटे दिलों को टूटे रिश्तों को शायरी से जोड़ते हैं आपका फेवरेट शायर कौन है फेवरेट शायर यस कैफी साहब कैफी आजमी ओ माय गॉड इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो क्या बात है आपको ये शायरी आती है तो आप एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ शायरियाँ भी सुनते हैं थोड़ी बहुत कभी कभी सुन लेता हूँ सुनता भी हूँ और थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ यार ये फिर शुरू हो गया तो चलिए फिर आपकी एक शायरी सुनते हैं जी व्हाट चाय चलेगा ओके FM 98.7 के मेरे सभी प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शीबा और हमारे साथ एक शायर तो चलिए सुनते हैं उनकी शायरी माइकल स्टार्ट माइकल नहीं गलती से भी नहीं माइकल नहीं तानसेन का तानों से भी सूफी है आपका आवाज तानसेन का तानों से भी सूफी है आपका आवाज कोयल की कू कू से भी मीठा है आपकी आवाज आगे आपका आवाज में ये जादू
कहां से आया? खिच खिच वाली कितनी गोलियां आपने चबाया? गुरु मुझे अब घुसना ही पड़ेगा वरना इसकी नैया डूबी आज। सर सर वाह, आप जितने सीरियस शायर हैं उतने ही कॉमिकल भी। ये कब कंपोज किया आपने? अभी अभी कर दिया, क्या करेगा जी। हाय, माय सेल्फ राहुल, मैं माइकल सर का स्टूडेंट हूँ जी। स्टूडेंट? जी हाँ। रियली? जी, हम इनके मुरीद हैं, शागिर्द हैं, तालिब हैं। ये हमारे फैज हैं, गुलजार हैं और गालिब हैं। वाओ, आप तो शायर भी हैं। नहीं नहीं, ये तो हमारा एक बुक का शायरी है। किताब? बुक? आप किताबें भी लिखते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपकी किताब का? बेनाम, बेनाम शायर, बेनाम शायर। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे निकलना होगा, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। जी। आपका घर का एड्रेस मिल सकते है? बुक की कॉपी भेजनी है आपको, इसके लिए तो एड्रेस तो लगेगा ना। That is so sweet of you. Thank you. ये मैं रख लेता हूँ। Thank you, sir. Thank you. My pleasure. See you. Bye bye. Take care. Michael. Michael. Anglo Hindi में शायरी पढ़ते हो? पहले भाषा सीख करो, जबान सीख करो, तलफ़ुज़ सीख करो, फिर शायरी पढ़ो यार। सीखेगा, सीखेगा। लेकिन वो तो गया। इसीलिए गया। शिवा। स्वामी जी, एकदम हैंडसम हंक लग रहे हैं, फुल तैयारी है लगता है, क्यों? अरे गुरुजी, अरे गुरुजी आओ, जाओ 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 जाओ, तुम लोग जाओ, बैठो बैठो बैठो। मैंने आपको एक कार्य दिया था, क्या हमारा कार्य पूर्ण हुआ? एकदम, I mean almost एकदम हुआ। आप जिस कन्या से प्रेम करते हैं उसका नाम है रीमा। रीमा, सीमा, रीमा ठीक है, अति सुंदर नाम, अति सुंदर। By the way, स्वामी जी, मैं एक पर्सनल दुविधा में फंस गया हूँ। क्या दुविधा है? ये जो आजकल के लोग ये गलत सलत उल्टे सीधे काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बार में बार डांस। हाँ। वेरी रॉन्ग, नहीं करना चाहिए, गलत बात है। चीची? नहीं नहीं, ये चीची नहीं है। देखिए, बार में जो कन्याएं नृत्य करती हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपने पेट के लिए करती हैं। हाँ, शरीर का बेचना गलत है, बार में नाचना पाप नहीं है। श्योर ना? हाँ पक्का। पक्का मतलब 100% पक्का? हाँ, लॉक। आपकी जो रीमा है ना, हाँ हाँ, वो एक्चुअली बार में डांस करती है। बाथरूम में डांस करती है? रीमा एक बार में डांस करती है। पाप हो ही नहीं सकता। मैं ठहरा एक सन्यासी, मैं ठहरा एक शांति आश्रम चलाने वाला साधु संत, ये पाप है, घोर पाप है, नहीं हो सकता। मैं उसे रिश्ता नहीं रखता, मैं जा रहा हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, पुराणों में लिखा है ये मेनका, उर्वशी, रंभा, ये सब कौन थी? ये देवलोक में नृत्य करती थी। तो बस आपकी रीमा भी तो वही करती है, बस पृथ्वी लोक पे। एंड अभी आप ही ने बोला था कि नृत्य करना गलत बात नहीं है, शरीर का बिजनेस करना गलत बात है, और वो बेचारी रीमा वो तो अपने पेट के लिए करती है। पेट के लिए करती है? 100% मेरी पर्सनल गारंटी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करती हुई। लेकिन क्या कि मेरा दिल कह रहा हाँ हाँ, मन कह रहा नाना, जेब बोल रही है नाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। आप दिल की सुनो। वो कहते हैं ना कि दिल होता लेफ्ट में है, पर होता राइट है। अब बट मुझे, हमें क्या करना होगा? आज शाम को आपकी रीमा का एक नृत्य का कार्यक्रम है, उसकी बार में ऑफ कोर्स। देखिए, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा ताकि मैं आपकी कहानी आगे बढ़ाऊं, आपका मिलन करवाऊं। आपका और रीमा का मिलन होगा ना?
हाँ बोल। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? अभी तुझे अपना हाल चाल बताने के लिए अपना पर्सनल नंबर दिया है क्या? हाँ? सल्ली सुपारी गैंग का आदमी प्यासा पप्पू अपने भाई के साथ बियर बार में अपनी प्यास बुझा रहा है। खबर पक्की है? इन्फॉर्मेशन पक्की है। ठीक है। हाँ बोलो। नहीं बिजी हूँ अभी, म्यूजिक वो दोस्त की शादी में हूँ तो थोड़ा बिजी। अरे गुस्सा मत हो ना। हेलो, अरे हमेशा गलत टाइम पे फोन करती है। मैं आता हूँ, मुझे तू बैठ। मैं बाहर जाकर फोन करके आ रहा हूँ, दो मिनट रुक यहाँ पे। और सुन, रिलैक्स है, कोई इशू नहीं, कोई पंगा नहीं। क्यों गई नाच ना? अरे नाच। ए तन्नी तनु जा तत तमाल तरु और बहु छाए मसी का कछो नहीं कलम नहीं नहात मोही का हससी की करो रही लाली मेरे लाल की जिद देखो ते लाल लाली देखन मैं गई मेरी भी हो गई लाल। क्या मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चार दुष्ट पुरुष, पुरुष के नाम पे कलंक, पापी इंसान, एक अपना नारी। ना 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 ना, देखिए भगवत गीता कहती है कर्म तेरे अच्छे हो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी साफ हो तो घर में ही मथुरा काशी। इसने पका डाला रे, इसको छोड़ो, इसको खोपचे में ला रे। चल साहब, यही लोग हैं सली सुपारी के आदमी, पकड़ो इनको। देख तेरे सारे साथियों का पता चल गया है, अब खाली तू ही बचा है। प्यार से बता दे कि तेरा नाम क्या है और वो सली सुपारी की गैंग में तेरा क्या काम है, वरना ये लड़की भड़की ना तो तेरा वो हाल करेगी कि तू। मैडम या अब्दुल्ला आया, भेजो उसे। जी। चलो मैडम बुलाया। हेलो मैडम, अब्दुल्ला रिपोर्टिंग। एड़े मेरे को नहीं उसको देख, इंक्वायरी में कुछ बता नहीं रहा है। अरे इंक्वायरी भी इंक्वायरी क्या करना मैडम, सीधे ढिचकाओ। हाँ सीधा इनकाउंटर ही कर दीजिए। चल देख। क्या हुआ अब्दुल्ला, पहचानता है उसे? नहीं नहीं नहीं, कोई नया मेंबर लगता है। अच्छे से देख, इतना कंफ्यूज क्यों लग रहा है, पहचानता है कि नहीं इसे? अरे रे 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 स्वामी जी, अरे स्वामी जी को क्यों मारा? संभल के सब पूरे अस्थि पंजर ढीला कर दिया मार मार के। हिटलर भी छोटे कद का था, लेकिन तू तो हिटलर का भी बाप निकला। इसको वो कीड़े पड़े जिनको पहले से कीड़े पड़े हो।
मेरे को भेजना नहीं, बोलता है इसको गोली से डिचू 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 उड़ा दो, मेरा इनकाउंटर करा दो बोला। ठीक नहीं है, मैं आता हूँ, तभी ठीक नहीं है। बेचारा ब्रह्मन कुल में जन्मे स्वामी मुक्तानंद को कुकर की भांति, कुकर का मतलब कुत्ता, कुत्ते की तरह लिटा लिटा कर मारा है। ये कौन सा प्रेम प्रशिक्षण का सूत्र था तुम्हारा? अरे काका ने मारा, हर इलाके में मारा, उस इलाके में भी मारा जहाँ मेरी आने वाली नस्ल जन्म नहीं ले सकती। हम अभी अपना दाखिला वापस लेते हैं, वापस लेते हैं। हमारा इधर भी हमारा इरादा हिमालय की तरह अटल है, अटल है, अटल है, परम है। अरे हट, देखो स्वामी, प्रेम में पिटाई अनिवार्य है। और सोचो सोचो, अगर थोड़ी सी पिटाई खाकर तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका मिल जाए तो क्या बुराई है? थोड़ी सी पिटाई? अरे तुम्हें क्या मालूम, मुझे काका नहीं मारा, ऊपर मारा, नीचे मारा, दाएं मारा, बाएं मारा, हर जगह मारा, लेकिन प्रेमिका कहाँ है? सीधा देखो। माइल करो और सीधे खड़े हो जाओ। हाय। आइए आइए आइए। हाय। रीमा जी की गवाही से ही आप बाहर निकले हैं। इनकी गवाही से मैं बाहर निकला? राहुल मुझे बता रहा था कि आप कितने बड़े समाज सेवक हैं और एक नया नृत्य केंद्र भी खोल रहे हैं, जिसमें हमारे सर चाहते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाएं टीचर बनके। डेफिनेटली सर, मैं जरा फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। जा, 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 बाय बाय। आपको तो बहुत चोट लगी है। इसी की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वाद में अंदर हुआ था। नहीं मैडम, नहीं, ये बेचारा तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। आप याद रखिए कि आज इनकी वजह से 9 रंगीला भाइयों में से 4 पकड़े गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश में हर इंसान को इनकी तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ऐसे आदमी को तो मैं सल्यूट करता हूँ मैडम। हाँ ठीक है ठीक है, देखो इस बार तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें यहाँ आकर हाजिरी देनी होगी, ठीक है? थैंक यू मैडम, थैंक यू। चल चल चल। आजा। यार सेटी, सच बताओ मुझे नए नमूनों पर थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब इनको देख के लगता है कि इनकी गाड़ी पटरी पर आ गई है। पटरी पे आई नहीं, पटरी पे दौड़ने भी लगी है ना? पार्टी तो बनता है बॉस। अच्छा, so let's party. Oi, come on. ओए होए होए, उम्र मेरी कुछ खा।
माइकल, क्या हम जान सकते हैं कि ये क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं आप? ये तुमको अजीबोगरीब हरकत दिखता है? यही तो हमारा प्यार है। हमारा शिवाजी को कौन सा कलर का गुलाब पसंद है ये हमको कैसे पता चलेगा? उनका पसंद ना पसंद इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर इसके साथ हमको शिवाजी का टेस्ट क्या है ये भी पता चल जाएगा। क्या बात है माइकल, क्या बात है, नॉटी बॉय शिवाजी का टेस्ट। गुड गोइंग, गुड गोइंग। शिवाजी, ये क्या बेहुदा मजाक है जी? क्या कहा था आपने? इंटरव्यू छापोगे? कहाँ है इंटरव्यू? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या सोचा था तुमने? हाँ, क्या सोचा था? शिवा बहुत खुश होगी, है ना? जाल में फंस जाएगी। नो नो, शट अप। आगे से मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो? नो शिवा जी, सुनिए तो सही। अबे रोक उसे जल्दी। चलना गुलाब के साथ रोमांस करके, क्या चलना यार? शिवाजी, शिवाजी रुकिए रुकिए प्लीज। अब क्या है? देखिए आप गलत समझ रही हैं। सचमुच आप गलत समझ रहे हैं शिवाजी। What? देखिए वो जो इंटरव्यू था ना, उसको छापने से मना सर ने खुद किया था। यस यस। फिर इंटरव्यू लिया क्यों था? क्योंकि सर नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई छोटा मोटा इंटरव्यू छापा जाए। सर चाहते हैं कि आपके ऊपर एक प्रॉपर कवर पेज स्टोरी छापी जाए विद प्रॉपर कवर पिक्चर। यस यस। ओके, That's great. I know. And see, एक cover page story के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है. It takes time. कहाँ छोटा मोटा story और कहाँ cover story? Okay. 2 days. No, no. Is that fine? No. At least 7 days, Shivaji. 7 days. Yeah. Please. Okay. 7 days. Shiva ने आपको दिए. Thank you. Promise? Thank you so much. This is for cover story. Okay, thank you. Hello, hello. Thank you. I'm very excited. Hello, Rose. Yellow, Rose. Yellow, yellow. Dirty pillow. Shiva, हम तुमको दिया yellow rose, तुमने हमको वापस कर दिया. क्या बात है, आजकल तुम बालकनी में नजर नहीं आते। तुम यूं ही मिल जाती हो ना, इसलिए। क्या? व्हाटएवर। नई ड्रेस ली है। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? देखो मैडम, सालों तक तुम्हारे कपड़ों को देखकर ही तसल्ली की है। या सच्चा लाया? अरे सीरियसली, कहो तो तुम्हारे एक एक कपड़ों की डिटेल दे सकता हूँ। अच्छा। तुमने कौन से कपड़े खरीदे, किस कलर के खरीदे, कब पहने, कब धोए, स्पेशली तुम्हारी जीन्स, टॉप, फ्रॉक, नाइट गाउन, यहाँ तक कि तुम्हारी ब्रा पेटी। शट अप। कितने बेशर्म हो तुम। अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम बार बार बालकनी के चक्कर क्यों लगाते हो। क्या? हाँ। अरे क्या मतलब? नो, जस्ट लेट इट बी। अरे बोलो ना, मैं रोज बालकनी में क्या कितने आता हूँ? रहने दो, रहने दो। बताओ ना, मैं बालकनी में रोज क्या देखते हैं? बाप रे, गजब बेशर्म हो तुम। वो तो मैं हूँ। That's it, मुझे। अरे रुको तो, रुको तो। अरे अरे इधर तो आओ। मैडम जी, याद आ रही थी बहुत। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? सल्ली सुपारी गैंग के दो और रंगीला ब्रदर्स की खबर है हमारे पास। दो और? कौन है वो? बबलू, इस शहर का सबसे बड़ा दलाल। 8 साल की उम्र में बलात्कार करने की कोशिश में इसको बाल सुधार गृह भेजा गया। तब से दुनिया इसको बलात्कारी बबलू के नाम से भी जानती है। दूसरा जुनैद। जुनैद वो नाम है जिसके जुल्म की दास्तान बहुत लंबी है। 12 खून और 45 अपराधों में इसका नाम शामिल है, इसलिए दुनिया इसको जुल्मी जुनैद भी बुलाती है। मैडम, टाइम पे तो आ जाएंगी ना? क्या मतलब? नहीं, पुलिस टाइम पे नहीं आती ना। हाँ, ठीक है ठीक है। मैडम, अगर पुलिस की तरह टाइम पे नहीं आई तो ये अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ए, वो जुल्मी और बलात्कारी की फाइल लेकर आओ। माल लाए हो? दिखा, खोल के दिखाओ। खोल के? क्या हुआ? ब्रीफकेस खुल नहीं रहा है, पता नहीं। खोल के दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारा भेजा खोल देगा।
कल आप फ्री हैं क्या भाई साहब? हाँ, मैं किसी चाबी वाले से इसको खुलवा के लाता हूँ, तब मैं आपके साथ में चलता हूँ। ए बैठ, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? ज्यादा सावन पत्ती नहीं दिखाने का। अच्छा तो तुम ही हो शहर के मशहूर पुलिस इन्फॉर्मर अब्दुल्ला। तुम्हारे इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा गैंग खत्म होता जा रहा है, हमारे भाई मारे जा चुके हैं। आज तुम यहाँ से बच के वापस नहीं जा सकते भाई। तुम्हें कैसे पता चला? ठोक डाल। ठोक डालूं? ठोक डाल। कटोरा जुल्मी। साले ये क्या किया, गोलियां क्यों चलाई तूने? तुम्हें नहीं सकता मेरे भाई। अगर ये कटोरा नहीं होता तो साले बच्चे पैदा करने लायक नहीं रह जाता मैं। नहीं सलाम खोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर और लेट आती तो हमारा तो क्लाइमेक्स ही हो जाता। कमाल है वैसे, तुम हर जगह पहुंच जाते हो। मैडम जी, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था जब मैंने देखा कि अब्दुल्ला जी आज फिर से इन दोनों गुंडों को पकड़वाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठे हुए थे, वो भी सिर्फ आपके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे एक बात बताओ, ये क्रिमिनल्स को पकड़वाने में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? कोई खास वजह? मुझे कहाँ इंटरेस्ट है, वो तो ये है जो सब कुछ करते हैं। थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू। प्लीज कम, प्लीज कम, आइए 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 आइए। ए उधर जाके देख। हाँ हेलो, आप यहाँ? वो आप आने वाली थी तो मैं कैसे नहीं आता। वो आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपने तो यहीं का एड्रेस दिया था। वो है तो यहीं, आप एकदम सही जगह पर आइए। आप सोच रहे होंगे कि ये कचरा क्यों फैला हुआ है यहाँ पे। वो आप आने वाली थी ना तो आपके लिए हमने सोचा कि थोड़ा रेनोवेशन करवा ले, बस इसीलिए। ये मेरे लिए? जी। और स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आज बच्चों की छुट्टी रखी है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट बुलाया है हमने। कौन? हमारे सर। आइए सर, आइए, प्लीज वेलकम। ये इनकी? इनकी रुचि नृत्य में इन्हें यहाँ तक खींच लाई कि इन्होंने अपना खुद का नृत्य केंद्र खोल लिया। और देखिए ना, नृत्य सीखने के लिए कभी वक्त ही नहीं निकाल पाए। फिर मैंने इन्हें कन्विंस किया कि आपसे डांस सीखे, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। अब लाइफ में जो भी पैशन हो उसे किसी भी उम्र में किसी भी कीमत पे फॉलो करना चाहिए, क्या बोलती हैं आप? बिल्कुल। ओह माय गॉड, आप तो फिलोसोफर हैं। सर से ठीक है। सर, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर आपको डांस में इतनी रुचि है तो आपको डांस जरूर सीखना चाहिए, और मैं सिखाऊंगी आपको डांस। वो अब तक आई क्यों नहीं? मुझे इतना न तड़पाओ जानू। प्लीज आ जाओ प्लीज। बॉस, सुना है प्यार में बड़ी ताकत होती है। आवाज दोगे तो वो दौड़ती चली आएगी। अच्छा जानू। आप कौन है? मोहतरमा? मोहतरमा नहीं, माशूका। माशूका? याद नहीं जब मैं ऊपर से गिरी थी तो तुम सुपारी जैसे कड़क सल्ली बन के बाहर आए थे। वो तुम थी? हाँ जानू, वो मैं थी। साथियों, इसको दूर करो मेरी नजर से, नहीं तो मैं इसका शिकार कर दूंगा। आज ये फूल कुमारी तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगी। चलाओ गोली, चलाओ चलाओ गोली। कोई गली
ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬੰਕਸ ਮਾਰੇ ਬਨ ਬੈਠੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੇਚਾਰੇ ਬਨ ਬੈਠੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੇਚਾਰੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕੋ ਇੱਕ ਪਲ ਬੁਰਾ ਫਸੇ ਹੈ ਯੇ ਬੇਚਾਰੇ ਆਂਖ ਖੁਲੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਕਲੋਜ਼ ਲਵ ਮੇ ਤੋ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਏਕ ਚਾਰਾ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਵਟੇਵਰ ਯੂ ਆਰ ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਟਾਂਗ ਇਸ਼ਕੇ ਰੂਟ ਪਟਾਂਗ ਇਸ਼ਕੇ ਰੂਟ ਪਟਾਂਗ ਇਸ਼ਕੇ ਰੂਟ ਪਟਾਂਗੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਵ ਹੈ ਊਟ ਪਟਾਂਗੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਰਟ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇ ਬੜਾ ਰੋਗ ਹੁਆ ਹੈ ਲਵ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਗੋਲ ਹੁਆ ਹੈ Wherever you are, wherever you are, you never know where to put your tongue. Ishke root pata, ishke root pata, ishke root pata, oh meri jaan. Ishke root pata, ishke root pata, ishke root pata, oh meri jaan. उसका फोन भी अनअवेलेबल आ रहा है अब इतनी बड़ी मॉल में उसको कहां से ढूंढेंगे एक काम करते हैं आधे उधर जाओ आधे इधर मेरे मतलब है तुम उधर जाओ मैं इधर जैसे मिलते मैं तुमको बताता हूं ओके चलो डन यू आर अंडर अरेस्ट मैडम मैंने क्या किया क्या किया है वो मेरे साथ चल फिर बता दो ए चल सुनिए मैडम मैडम चल मेरे साथ मैडम करके Hey, तुम लोग ये लो जाओ चाय पी कर आओ ठीक है जाओ hey, तू किधर चला तू आ मेरे साथ मैडम मैं ऐसा ऐसा लड़का नहीं हूँ मैडम बैठो ना बैठो बैठो मैं बताती हूँ कैसा लड़का है मैंने तुझे पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देने को कहा था ना फिर आया क्यों नहीं अरे इस बहाने आंखें चार हो जाती वो क्या है ना मैं नहीं हम अरे अंधा है क्या ओ सॉरी 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 बहन जी दीदी अब्दुल्ला के पे गंदी नजर छी 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 शिफ 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 अब्दुल्ला ये तस्वीरें दिखा के तेरे को ऐसा जलाऊंगा कि तेरे शरीर से हवा की जगह धुआं निकलेगा धुआं हाँ बोल चाय पी ली सर आ जाए हाँ अभी तुम लोगों ने तो चाय पी ली है लेकिन इसका तो खून पीना बाकी है ना चल रख फोन अरे हैंडसम इस कानून वाली के हाथ बहुत लंबे हैं बच के जाएगा कहाँ सॉरी आप यहाँ गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया था ओ तो गर्लफ्रेंड बनाने मॉल में आते हो हाँ? नहीं नहीं वो एक्चुअली मैं जो भी है अब तो गर्लफ्रेंड बन गई ना कहाँ बन गई कौन अरे मैं और कौन यू नो जब भी मैं अपने स्टूडियो में माइक पर जाती थी ना मुझे हर बार सामने तुम नजर आते थे मर गए आज तो राहु केतु शनि सब एक ही घर में बैठे हैं लगता है हाँ कुछ कहा तुमने नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा
लगे रहो। आंटी ये आप गलत समझ रही हैं। हेलो आंटी। अरे कोई बात नहीं, देखो देखी तो रही हूँ तुम्हें, तुम हो कि मुझे देखते ही नहीं, कभी घर आओ ना। क्यों? वो मम्मा चाय बहुत अच्छी बनाती है। ओ आऊंगा जरूर आंटी जी की हाथ की चाय पीने आऊंगा। अब चले प्लीज। We are going for coffee, yeah, right? Yeah, yeah, we will, but आज मुझे थोड़ा काम है। Why not? No, we are going for coffee. Not today, some other day. I'm really in a hurry right now. Okay. Rahul. See that? Excuse me. Let's go. Rahul. Okay. No coffee, but at least plan something. Yes. Okay. Actually, I was thinking पहले movie, फिर dinner, and then just what? Cheating. Shut up. इस पखंडी ने तो जैक्सन को ही जैक लगा दिया। वो बड़ा सुनेगा तो उसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा। शुक्र है मेरी गर्लफ्रेंड सेफ है, बिकॉज शी सेंस गया किधर? मैं कर लूंगा अब। मेरा तो कलेजा ही ठंडा हो गया। रीमा जी आप? मैं जी तो मिलने का बहुत कर रहा था। मेरे गुली गुलजार गुलबदन। मैं चलूं, थोड़ा काम है मुझे अर्जेंट। नहीं नहीं, अरे आप एक कॉफी तो पी के जाइए ना। सुने ना सुने ना मेरी बात तो सुनो। अरे रुक जा शैतान, रुक जा। Excuse me, एक सेकंड। सुने ना? Excuse me। अरे बात तो सुन भाभी, अभी कुछ है नहीं मॉल में, तू जा किधर रहा है? तेरी भाभी बोली। अरे तेरी भाभी वो जा रही, हट यार। भाभी हम तो बर्बाद हो गए। स्वामी ये क्या है? तुम हमारा हार्ट अटैक करके छोड़ेगा? तुम हमसे मजाक कर रहे हैं ना? बोलो ये झूठ है? ये सच है। नहीं ये झूठ है। रोना नहीं बालक, ये दुख केवल तुम्हारा नहीं है, ये दुख हम तीनों का है। तीनों का मतलब उस ने हमारी ही दौलत के साथ हमारी ही लड़कियों को बटाया, यानी के तीन फूल और ये एक माली। उस फ्रॉड को हम नहीं छोड़ेंगे, उसका जान ले लेंगे। हिंसा नहीं, हमें जो कुछ भी करना है शांत वातावरण में करना है, अपने ही बालबूते से अपनी लड़कियों को वापस हासिल करना है। बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे, प्रॉमिस करता है हम। हम लोग अपना लव खुद हासिल करेगा। मेरे सीमा सुने ना, एक बार फोन उठा लो प्लीज पिक अप प्लीज। ओफ मैसेज, मीट मी वन लास्ट टाइम, इट्स वैलेंटाइन्स डे। कब है वैलेंटाइन्स डे? कब है सर? परसों। तुमने मेरे सामने बस अब एक ही रास्ता छोड़ा है, तुम्हारे साथ मुझे वही सलूक करना पड़ेगा जो आज तक मेरे सारे गुरु सारे विलन्स ने हीरोइनी के साथ अंत में किया है। मुझे छोड़ दो। सरदार मेरा घोड़ा तैयार करो। घोड़ा? हाँ घोड़ा तैयार करो। बंकस मारे बन बैठे आशिक बेचारे, बन बैठे आशिक बेचारे, चैन नहीं है इनको एक पल, बुरा मजे है ये बेचारे। इश्क़ के रूठ पटांगों मेरी जान। अब्दुल्ला, अरे आइए 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 मैडम, देखो कुर्सी भी नखरे करने लगी। हेलो मैडम। क्यों मिलने के लिए बुलाया यहाँ पे? हेलो प्लीज दैट्स इट प्लीज। कैसा है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा है। ओके तो
आज क्या कवर कर रहे हैं? आज कुछ कवर नहीं करने वाला। तो आज कुछ आपको सुनाएगा? सुनाएंगे। शैंपेन? आइए बैठिए। आपने आज वैलेंटाइन डे पे मुझे क्यों बुलाया है? आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या इम्पोर्टेंट बात बतानी थी? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को इतनी हसीन जगह पे क्यों बुलाता है? जी? अब मेरा मतलब है कि एक शिष्य अपने गुरु को ऐसे प्यारे स्थान पे जब बुलाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा ना। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। दिले नादान तुझे हुआ क्या है? दिले नादान तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हम है मुस्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? क्या बात है? इस शिष्य को जो आपने सिखाया, जिस योग्य बनाया, ये जो शिष्य आपके सामने बैठा है ना, ये उसकी परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा? हाँ, मेरा मतलब है कि परीक्षा प्यार की हो सकती है, परीक्षा मित्रता की हो सकती है, परीक्षा एक जिस्म दो जान की भी हो सकती है। क्या? मैडम, मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। क्या सब कुछ? ये ताज व तख्त, ये रुतबा, ये खानदानी पेशा, मैं सब कुछ कुर्बान कर चुका हूँ। कटोरा! पूछिए ना मैडम क्यों? क्यों? क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया है कि अब्दुल्ला शाह जहां केवल अपना नहीं, केवल अपना नहीं, किसी और के बारे में भी सोच रहा है। किसी और के बारे में? हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानता वफा क्या है। I love you. What? मैं जानता हूँ कि मैं आपका डांस पार्टनर बनने के काबिल तो नहीं, पर मैंने बड़ी कोशिश की डांस करने की, लेकिन हाँ, आपका हस्बैंड बनने के लायक तो हूँ ना। आज अब्दुल्ला शाहजहां आपके लिए ताजमहल तो नहीं ला सकता, लेकिन फिलहाल अपने प्यार को बेइंतहा दिखाने के लिए ये नाचीज एक फूल लेकर आया है। आई लव यू मैडम। अल्लाह के नाम पे थोड़ा प्यार बांट दो मैडम जी, आपकी जिंदगी में प्यार ही प्यार बरसेगा मैडम। देवी स्वामी का कल्याण कीजिए, ये फूल मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। ये सब क्या था? ये सब किसकी सेटिंग थी? राहुल की। कहाँ मिलेगा वो? मरियम पार्क। शिवा, शिवा! हट, हट! सॉरी सॉरी, बहुत दिनों से रोक के रखा था, अब रोकने से क्या फायदा, जब रोका तब फायदा हुआ नहीं। तुम लोग इधर बैठ के क्या कर रहे हो? उधर राहुल और सुनैना को किडनैप कर लिया सली सुपारी ने, और हमारी जिंदगी हाईजैक हुई पड़ी है, उसका क्या? अरे बाबा, उधर साथ में रीमा, शिवा और भार्गवी को भी किडनैप कर लिया उन लोगों ने। शिवा, मेरी शिवा! हाँ। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमारा दिल तोड़ा है, हमें दुख पहुंचाया है, ये पाप तो उनके साथ होना ही था। नहीं, नहीं, स्वामी जी। बिल्कुल स्वामी जी, होना ही था, ये अल्लाह ताला का फैसला है, जो दिल तोड़ते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। हमारे पास क्या करने आया है, सीधे पुलिस मत जाना। अरे बाबा, आप ही जानते हो किधर है, आप ही लेके जा सकते हो। मुझे मालूम भी होगा तो नहीं बताऊंगा कहाँ है। अब्दुल्ला भाई, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है, सोचिए प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर देते। अभी तक जो भी किया वो सब नकली था, फॉर्मूला अपनाया आप लोगों ने, अब जिंदगी में कुछ करने का वक्त आया है। कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे आप लोग? आज असली हीरो बनने का मौका आया है, रियल हीरो। जाओ उनको बचाओ, कुछ कर दिखाओ। Ha ha ha!
नाच लिया है? बैंड वालों में बांट दो। ए! चाय कॉफी इधर आ। बाकियों का ठीक है, लेकिन भाभी जी को क्यों बांध के रखा है तुमने? सरदार, भाभी जी बहुत हिल रही थी और डुल रही थी। भाभी जी को खोलो और मंडप पे ले के आओ। हाथ छोड़ दो, चलो भाभी जी। छोड़ो मुझे, चलिए छोड़ो। कमीने, आओ आओ भाभी, आओ दूर गलियों के। हाँ, लेकिन पंडित कहाँ है? पंडित पंडित, मैं इधर हूँ जजमान। आप पंडित हैं? ये चड्डी बनियान में? मैं संन्यास में था, इसने मुझे उठा के लाया। साले, संन्यास से उठा के लाया तू इन्हें मेरी शादी पे? सरदार, आपने तो कहा था जिस हालत में उसी हालत में उठा के लाना। ए, मैंने तुझे धोने का मौका दिया था ना। अब शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए पंडित जी। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमः। छोड़ उसको, छोड़ उसे। बहुत याराना लगता है तुम्हारा। नाम क्या है तेरा? मजनू? राहुल। राहुल, अच्छा। अरे एक बात बताओ, ये हिंदुस्तान की सारी माएं अपने बेटों का नाम राहुल, प्रेम, राज क्यों रखती है भाई? सरदार मैं बताऊं? हाँ बोलो। सरदार, माँ बाप को लगता है कि बेटा बड़ा होकर हीरो ही बनेगा। हीरो, हीरो जीरो होता है। नाम तो होना चाहिए गब्बर सिंह, मगम्बो, गेंडा स्वामी, सली सुपारी, समझा? कमीने, छोड़ दे उसको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दूंगा, पहले बोल। वन मिनट, चाय। सुन, यहाँ पर कोई गदर का हैंडपंप तो नहीं ना? नहीं सरदार। हाँ पहले बोल, कबर मुगैम्बो सली सुपारी जिंदाबाद। अब बोल, राहुल, प्रेम, राज, मुर्दाबाद। इसके रूट पटांग, इसके रूट पटांग, इसके रूट पटांगो मेरी जान। इसके रूट पटांग साला प्यार है रूट पटांग, ये पूरा लव है रूट पटांगो मेरी जान। Whatever you are, wherever you are, you never know where to put your time. खैर मनाओ तुम लोग की अब्दुल्ला शाहजहां वहां नहीं था, नहीं तो खून की नदियां बह जाती। बॉस, जाओ इनको पकड़ो। हम आ गए पंडित जी, ये मंत्र मंत्र छोड़िए और डायरेक्ट फेरे कराइए हमारे। डायरेक्ट फेरे? लेकिन ऐसे तो शादी अधूरी हो जाती है। अधूरी नहीं, आप जानते हैं हमारे गुरुजन सब एंड में जाके क्यों फेल हो जाते हैं? मालूम है, हमेशा असत्य की हार होती है। जी नहीं, क्योंकि वो हर काम करने में देरी करते हैं। डायलॉग इतना बोलते हैं कि काम में देरी हो जाती है। हीरो को गोली मारने में देरी, फेरे लेने में देरी, हीरोइन का बलात्कार करने में देरी। चलिए फेरे शुरू करते हैं। तू यहाँ? बस, मैंने तो आसमान से परी उतरते देखा था, ये पहली बार देख रहा हूँ कि पूरा आसमान नीचे उतर के आ गया। देख के तुझे ढूंढते ढूंढते तो मैं जहन्नुम तक पहुंच जाऊं मेरे सल्ली सुपारी रोमियो। वैसे तुमको बांध के क्या रखा है? ये शादी में खलल डाल रहे थे। ये शादी हो किसकी रही है? मेरे सल्ली सुपारी की। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तेरी शादी मेरे से होनी है। मेरी शादी सल्ली सुपारी की, वो भी बगैर मेरी मर्जी के? तू
जबरदस्ती उसके साथ शादी कर सकता है तो क्या हमें बिना मर्जी के तेरे साथ शादी नहीं कर सकती? चल छोड़ लड़की को, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ देवी। चल बोल अपने चुनु मुनु को हथियार फेंकने को। अरे हथियार हथियार फेंको भाई, मेरे पास पेपर है। नीचे हथियार, अरे हथियार फेंको भाई, फेंको। चल खोल सबको, लोडेड। चल अरे जा जा जा, खोल खोल अभी खोल। चूहा शेर हो, जकड़ ले बेबी को। नमक कहता है मोहब्बत को जमा होता है, ये हकीकत तो नजरों से बयां होता है। बाबा पहले मुझे तो खोलिए। यस जल्दी। थैंक यू शिव। अरे तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैंने बोला था ना कि अंत में असत्य की हार होती है। फेरे कितने बाकी? मैंने तीन बाकी है, पूरे करो। चलो जानू फेरे ले ले। जल्दी कीजिए राहुल। I'm sorry. Wish you a very happy Valentine's Day. Same to you. कॉफी पीने चलें? चलो चलो ओके लेट्स गो। चलो प्लीज। अंकस मारे भंकस मारे बन बैठे आशिक बेचारे, बन बैठे आशिक बेचारे, चैन नहीं है इनको एक पल, बुरा फंसे हैं ये बेचारे। आँख खुली हो या हो क्लोज, लव में तो हर पल हर रोज, एक ही चेहरा यू विल सी, व्हाटएवर यू आर, व्हेयरएवर यू आर,
You never know where to put your tongue. Ishq hai oot patang, ishq hai oot patang, ishq hai oot patang, oh meri jaan. Ishq hai oot patang, oh meri jaan. Ishq hai oot patang, ishq hai oot patang, ishq hai oot patang, oh meri jaan.